जबलपुर में खाद्य तेलों की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ प्रशासन और खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 3 प्रतिष्ठानों में दबिश देकर 2,64,00,000 रुपए का खाद्य तेल जब्त किया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लिमिट से अधिक स्टॉक मिलने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर इलैया राजा के मुताबिक खाद्य तेलों की कालाबाजारी को देखते हुए सरकार ने सभी थोक व्यापारियों को तेल के स्टॉक की एक लिमिट तय कर दी है। इस लिमिट से अधिक स्टोर करने पर कार्रवाई के निर्देश हैं। इसी क्रम में टीम ने शहर में 3 स्थानों पर दबिश दी है। कलेक्टर सर के निर्देश अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी कंट्रोल ऑर्डर खाद्य तेल एवं तेलन व्यापारी नियंत्रण आदेश 2022 के तहत ये नया आदेश आया हुआ है, जिसके इसके तहत 3 जगह हाजी मोहम्मद, पीर मोहम्मद, कोतवाली चंदाल भाटा, अखिल ट्रेडर्स चंदाल भाटा और बजाज एंड कंपनी विजयनगर, ये तीनों जगह छापामारी हुई है। स्टॉक को लेकर नया आदेश आया हुआ है, जिसमें ये है कि जो 500 कुंटल की लिमिट व्यापारियों के पास होना चाहिए उससे अधिक पाई गई है, जिससे तीनों जगह से जब्त किया गया है।